एन SIO साउथ महाराष्ट्र प्रोडक्शन। ये जितनी आप मजहबी किताबों का नाम सुनते हैं, ना तो ये इंसानी है ना रूहानी है, सब की सब आसमानी कही जाती हैं। आप जिस ग्रंथ को मानते हैं उसमें परंपराएं विधि लिखी हुई हैं और उसका जब आप आचरण करते हैं तो ऊपर वाले से आपका तार जुड़ता है, और जब ऊपर वाले से तार जुड़ता है नारायण, तो इंसान इंसान बनता है। सारे के सारे ग्रंथ यही कहते हैं, सारी धरती सारे इंसान को एक, चाहे ब्रह्म कहिए अल्लाह कहिए खुदा कहिए, बनाने वाला एक है, ना दूसरा था ना है ना होगा। लेकिन उद्देश्य सोए हुए जमीर को जगाना, जिसको कि SIO ने बड़े अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا يجرمنكم شنآن قوم ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى صدق الله العظيم। दोस्तों, फ़िरक़ावारियत एक समाज के लिए एक जहर है, एक मुल्क के लिए लानत है। तो आप यकीन करें 1920 और 21 में जिन लोगों ने तारीख पढ़ी है वो जानते होंगे कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की एक ऐसी फ़ज़ा थी उस वक्त कि स्वामी शरदानंद को दिल्ली के मुसलमानों ने दिल्ली की जामे मस्जिद के मिंबर पर बैठा करके उनकी तकरीर कराई थी। ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का उस वक्त का माहौल। और एक दूसरी बात मैं बताता हूँ, हकीम अजमल ख़ान का नाम आपने सुना होगा। हकीम अजमल ख़ान साहब जो अपने वक्त में खिलाफत के भी सदर थे, जो मुसलमानों की जमात मुसलमानों की तहरीक थी, दूसरी तरफ कांग्रेस के भी सदर रहे, मुस्लिम लीग के भी सदर रहे, और इसी के साथ साथ आपको ताज्जुब हो शायद बहुत से लोगों को कि वो हिंदू महासभा के जनरल सेक्रेटरी भी थे हकीम अजमल ख़ान साहब। ये फ़ज़ा थी एक जो आज ख्वाब महसूस है, ख्वाब सा महसूस होता है कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद ऐसे भी था हमारे मुल्क में। पर SIO के ज़रिए जो एक तहरीक शुरू की गई है, हम पूरी तरह से इसके साथ हैं। मेरा ज़ाती ताउन, हमारी जमात का ताउन, हम सब का ताउन, जहाँ जहाँ भी जिस तरह से भी ज़रूरत होगी इंशाल्लाह हम हमेशा हाजिर रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट एंड कंग्रेचुलेट द SIO फॉर द लॉन्च ऑफ दिस कैंपेन वी फॉर कंस्ट्रक्टिव थॉट। इट्स एक्चुअली अ नीड फॉर द आवर because of the situation that we are facing in the current context of the new rule. I think the challenge for SIO is to lead the present situation